जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों, हल षष्ठी की व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने से संतान की दीर्घ आयु होती है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो आज आपको हम हल षष्ठी की व्रत कथा सुनाएंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। तो हल षष्ठी की व्रत कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने विचार किया, यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोच करके उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव की पीड़ा हुई तो वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दे दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर के पास के गांव में दूध दही बेचने को चली गई। संयोगवश से उस दिन हल षष्ठी थी, हल छठ थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बतला करके उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बड़ा दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़ करके चल दिया। कुछ देर के पश्चात ग्वाली ने दूध बेच करके वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देख करके उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोल करके गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की ऐसी दशा नहीं होती। अतः मुझे लौट करके सब बातें गांव वालों को बता करके इसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूम करके अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी थी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खा करके उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद भी दिया। तो बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देख करके आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा हुआ है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण ले लिया। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।